नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मीठी तड़का में। मैं मीठी आज आपके लिए मटन करी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने जो जो स्टेप बनाया है, अगर आप इस स्टेप से बनाइएगा ना, तो एक घंटा के करीब में ही आपका मटन बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। 1 kg मटन है, इसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर लेंगे। इसके पहले स्टेप में हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ये मटन बहुत ही कम तेल में बनके रेडी हो जाता है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब इसमें से हल्का हल्का धुआं उठने लगे तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 4 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, चिटकी भर जीरा है, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 तेज़पत्ते हैं और 5 से 6 लौंग है। अब इसे क्या करेंगे, गरम तेल में डाल देंगे और लो फ्लेम में इसकी भुनाई करेंगे। ये ज़रा सा भून जाए, इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 सेकंड के अंदर ये भून जाता है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो हम इसमें मटन को डाल देंगे। 5 मिनट इसे चलाते हुए भूनेंगे। जब 5 मिनट हो जाए तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक से जो हमारा मटन जल्दी गलेगा। इसमें मैंने किसी तरह का जायफल वगैरह किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद मटन को 10 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि जो मटन में क्रीमी टेस्ट आए। 10 मिनट भूनने के बाद हम उसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे। मटन को और टेस्टी और क्रीमी बनाने के लिए हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। इसे जो हमारा मटन बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब क्या करेंगे कि कुकर में ढक्कन लगाएंगे और 3 से 4 सीटी लगा देंगे। 3 से 4 सीटी के बाद, सीटी लगने के बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर को हटा लेंगे। चलिए मटन को चेक कर लेते हैं। मटन लगभग 70% पक चुका है, आप देख सकते हैं। 30% मटन हम प्याज की भुनाई के साथ पकाएंगे। अब क्या करेंगे कि इसे हम पानी से अलग कर देंगे, इसे दूसरे बर्तन में हम छान लेंगे और इसके पानी को फेंकेंगे नहीं। मेन टेस्ट तो इसका पानी में ही है, तो हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। पकाने का बाकी स्टेप जो है अब हम कढ़ाई में करेंगे। तो कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम उसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमें बिल्कुल मसलते हुए डालना है ताकि इसका एक एक पार्टिकल्स जो है अलग हो जाए और प्याज जो है अच्छी तरह से भून जाए। सारे प्याज को मसलते हुए कढ़ाई में डाल देना है। 5 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हो तो आप डालिए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक डालते समय हमें ध्यान देना है क्योंकि हमने मटन में भी नमक डाल रखा है। अब इसमें क्या करेंगे कि बारीक क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे। अदरक मैंने 1 इंच लिया है। 1 मुट्ठी भर धनिया का डंठल है, इसे भी हम प्याज के साथ डाल देंगे। और सब डालने के बाद हम प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। डार्क ब्राउन होने तक हमें प्याज को भूनना है। आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है। प्याज को हमें बस इतना ही भूनना था। इसी टेक्सचर में हम प्याज भूनेंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें 2 टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कट लेंगे और इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैंने 2 बड़े गाठ लहसुन का लिया है और 6 से 7 हरी मिर्च ली है। इन दोनों का पेस्ट बना लिया है और इसमें डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच के करीब जीरा पाउडर डालेंगे,
धनिया पाउडर का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है, तो एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर लिया है और एक चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर लिया है। चम्मच के करीब कसूरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद आधा छोटा कटोरी पानी ऐड करेंगे ताकि जो है मसालों का मॉइस्चराइजर प्याज के साथ बना रहे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि वो चारों तरफ से तेल ना छोड़ने लगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो हम उसमें मटन ऐड कर देंगे। एक एक करके सारे मटन को डाल देंगे। ध्यान रहे मटन अभी 70% ही पका है, अभी हमें इसे 30% भूनते हुए पकाना है। तो अब हमें मटन को 15 से 20 मिनट तक भूनना है। हमें मटन तब तक भूनना है जब तक कि ये चारों तरफ से तेल ना छोड़ने लगे। जब ये तेल छोड़ने लगे तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मटन बॉईल करते समय पानी बचा था ना, उसी पानी का इस्तेमाल ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे। सारे पानी को मटन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हम ढककर पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मटन अच्छी तरह से पक ना जाए। मटन लगभग पक चुका है, अब क्या करेंगे, हम इसमें एक चम्मच भर के गरम मसाला डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक ढक के रख देंगे। थी धनिया पत्ता से मटन का गार्निशिंग कर लेंगे। वाओ, कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक यू। एक बार आप इस तरीके से मटन बना के ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास कम समय है तो कोशिश करिएगा कि आप इस स्टेप में मटन बनाएं। थैंक यू, लव यू।